दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी सोशल मीडिया पर जनता से सीधे जुड़ने के लिए एक व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया। राहुल के व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाला दिल्ली पहला राज्य बन गया। इस मौके पर अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि नफरत के बाजार में राहुल गांधी का व्हाट्सएप चैनल मोहब्बत का संदेश निडरता से जनता तक पहुंचाएगा। जुड़ पर रहे हैं। अब तक 42 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। लवली ने कहा कि इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़कर सीधे राहुल गांधी जी से जुड़ पाएंगे और इसके साथ ही राहुल गांधी द्वारा डाले गए पोस्ट और उनकी विचारों से भी सीधा संपर्क हो पाएगा। देखिए, राहुल जी का व्हाट्सएप चैनल है, ऑलरेडी इसमें 42 लाख से अधिक जो है इसके सदस्य हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हमने इसको जो है रीलॉन्च किया है और तमाम हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट्स को कहा है कि अपने वर्कर्स को बताएं, यहाँ तक कि RWS और NGO से भी संपर्क करें, वो सीधा राहुल जी से, राहुल जी की सोच के साथ इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्या कांग्रेस पार्टी की सोच है, क्या विभिन्न इश्यूज पे उनका स्टैंड है, और आज राहुल जी जिस तरीके से अलग अलग वर्ग के लोगों को डायरेक्टली मिलने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी समस्या भी उठा रहे हैं, तो हमारी सोच और लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स रखने का भी एक माध्यम मिलेगा, तो इसलिए कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित हैं इसको लेके। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि हम सभी को राहुल गांधी के व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना है और इसके लिए हमने बोर्ड लगाए हैं जिसे स्कैन करके या फिर मैसेज द्वारा सभी सीधे चैनल से जुड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड सभी प्रमुख लोगों को उपलब्ध कराएंगे ताकि आप अपने अपने क्षेत्रों में लोगों को, विशेषकर कांग्रेस साथियों और RWA सामाजिक संस्थाओं और समाज के हर उस वर्ग के व्यक्ति को जोड़ें जो कांग्रेस की विचारधारा और राहुल गांधी की सोच के साथ मिलकर देश का विकास चाहता है। देखिए, व्हाट्सएप चैनल है तो आप जो जो व्हाट्सएप चैनल के साथ कर सकते हो वो सब इसके साथ करना पड़ेगा, और ये क्योंकि राहुल जी का व्हाट्सएप चैनल है तो फर्स्ट हैंड जानकारी उनके बारे में जो है निश्चित रूप से वर्कर्स के पास रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमने जो है तमाम जगह पे ऐसे पोस्टर्स और स्टिकर लगा रहे हैं और ब्लॉक प्रेजिडेंट भी अपने ऑफिस में लगाएंगे, तो हम तो चाहते हैं कि सब RWS, NGOs, जागरूक नागरिक सब लोग जो है इससे जुड़े। इस मौके पर लवली ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर अनेक प्रकार के झूठ के पुलिंदे पेश किए गए, बीजेपी और उनके सहयोगी सहित अन्य दल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी बिना डरे देश में प्रमुखता से सच उजागर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का चैनल उसका सबसे बड़ा माध्यम है, क्योंकि देश का हर व्यक्ति, चाहे बड़ा हो या छोटा, सबके पास स्मार्टफोन है और वह व्हाट्सएप से जुड़ा है। प्रणय शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।